दोस्तों यहाँ पर फाइनली पोपट लाल वाला मैटर खत्म होने के बाद हमें जो सोडी की गाड़ी है उससे रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली सोडी की गाड़ी चोरी हो गई है और यहाँ पर दोस्तों मैं काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ जो कि सभी लोगों को एक ही चीज़ लग रही है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरी प्रेडिक्शन नहीं बल्कि आपकी प्रेडिक्शन है और मैं भी इससे काफ़ी हद तक सहमत हूँ। तो गाइस यहाँ पर हुआ क्या है कि काफ़ी सारे लोगों को यही लग रहा है कि वो जो सोडी की गाड़ी चोरी हुई है ना, वो और किसी ने नहीं बल्कि सोडी के किसी जो मैकेनिक वगैरह जो सोडी के पास काम करते हैं उनमें से करी है किसी ने, और वो भी रोशन भाभी के कहने पर, क्योंकि हमने देखा था प्रीवियसली रोशन भाभी वहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी। और ऐसे में ऐसा लग रहा है कि पोपट लाल की सारी कंप्लेंट सुनने के बाद रोशन भाभी ने फैसला किया होगा कि वो सोडी को नई कार देने वाली है गिफ्ट में, और वो जो सोडी की कार होगी वो दोस्तों एज अ सरप्राइज सोडी को मिलने वाली होगी, और इसी वजह से सोडी को ये बात नहीं पता और सोडी चला गया है चालू पांडे के पास कंप्लेन लिखवाने के लिए। और अब दोस्तों यहाँ पर ये स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सोडी को नई कार मिलने वाली है। ये दोस्तों सेम स्टोरी है जैसे कि भिड़े के सखाराम वाली स्टोरी थी, उसमें भी दोस्तों माधवी ने भिड़े को सरप्राइज दिया था उसका जो नया स्कूटर देकर। उसी तरह से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि रोशन भाभी भी उसको नई गाड़ी की का सरप्राइज देने वाली है। तो हाँ गाइस, आप में से मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ। अगर आप भी एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक भी नहीं किया तो।